जी लगातार पिछले 2 दिन से नगर में भारी बारिश की समस्या और आने वाले 3-4 दिन भी लगातार मौसम विभाग ने कहा है कि वो बड़े चिंताजनक है। भारी बारिश होने की अभी भी मौसम विभाग लगातार चेतावनी दे रहा है। इसलिए आज पूरी नगर पालिका की टीम, प्रशासन की टीम, आज हमने सर्किट हाउस पर बैठक की और आने वाले समय में किस प्रकार हम स्थिति से किस प्रकार काबू पाया जाए, आज हम सबने मंथन किया है। आज हमने टोल फ्री नंबर 07366-24-10-36 ये जारी किया है। साथ ही हमारे नगर पालिका के इंजीनियर नीलेश पंचोली जो पूरे इस हमारे आपदा प्रबंधन टीम को देख रहे हैं, प्रभारी हैं, उनका भी नंबर जारी किया है। वो नंबर है 9893-98-1119। आप इन नंबर पे कभी भी आपदा प्रबंधन की स्थिति में या पानी की स्थिति में, मान लो बाढ़ जैसी स्थिति बनती है आपके यहाँ, तो आप तुरंत इन 2 नंबर फ़ोन लगाइए, हमारे रेस्क्यू टीम तुरंत पहुँचेगी और आपकी वहाँ हर संभव मदद करेगी। हमने हमारे कुछ बस्तियों में आज पानी घुसा था सुबह से, आज हमारी टीम पूरी घूम रही थी और आज हमने राज फर्नीचर के पीछे, वहाँ करीब 10-12 परिवार ऐसे थे जब उनके घर के आगे 7-8 फीट पानी हो गया था, हमारी टीम रेस्क्यू करके उनको बाहर निकाले। ऐसे ही चेतनपुरा वार्ड नंबर 1 में भी स्थिति बनी, तो वहाँ भी हमारी टीम लगातार पहुँची और उन परिवारों को निकाल कर सुरक्षित स्थान पर हमने पहुँचाने का काम किया और उनके भोजन की व्यवस्था भी की है। साथ ही अभी प्रशासन की टीम ने, हम सब ने तय किया था कि मदीना पैलेस, पुराई नगर पालिका स्कूल, माड़ा धर्मशाला, सी ब्लॉक कल्याण मंडप, टेम्पल गेस्ट हाउस, खड़े हनुमान जी का मंदिर, गुरुद्वारा मंदिर और ऐसे 8-7 स्थान हमने और ऐसे चिन्हित किए जहाँ यदि मान लीजिए यदि पानी की स्थिति बढ़ती है तो हम ऐसे जगह पर वहाँ हमारे सुरक्षित नागरिकों को वहाँ पहुँचा सके, उनके भोजन की व्यवस्था कर सके, उनके रहने खाने और सोने की व्यवस्था कर सके। मैं लगातार मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि आने वाले 24 घंटे हमारे लिए बड़े ही चिंताजनक है, क्योंकि आगे के जो हमारे कुछ डैम हैं, बांध हैं, वहाँ के गेट लगातार खोले जा रहे हैं और लगातार गेट खोलने से चंबल नदी का स्तर ये कम नहीं हो रहा है। चंबल नदी का स्तर कम होगा तो लगातार शहर में जो पानी भरा है वो कम होने में काफ़ी समस्या आ सकती है। तो मैं मीडिया के माध्यम से समस्त नागरिकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप किसी प्रकार की रिस्क नहीं लें। जैसे ही लगता है कि आपको पानी बढ़ रहा है या रात में पानी बढ़ता है तो आप तुरंत अपने मकान को छोड़ के आप सुरक्षित स्थान जो हमने बताए वहाँ रहिए, आपको किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आई। प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है किसी भी स्थिति निपटने के लिए। हमारे NDRF की टीम, हमारी पूरी टीम लगातार हर स्थिति निपटने के लिए लाइफ जैकेट के साथ, नाव बोट के साथ पूरी तरह से तैयार, आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं आने जाएगी। एक बार पुनः मेरा करबद्ध आप सबसे निवेदन है कि आप बिल्कुल रिस्क मत लीजिए, जीवन बहुत अनमोल है। कृपया आप लगता है कि पानी की स्थिति बढ़ रही है और पानी घुसने वाला है तो आप तुरंत ही हमारे जो बताए हुए स्थान है वहाँ जाइए। आपकी सारी संपूर्ण जवाबदारी शासन प्रशासन की और हमारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।